नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। मैं इस वक्त खड़ा हूं रायबरेली में और ये वही जगह है जहां अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होते, लेकिन ऐसा हो न सका। और मैं जब इस न्याय यात्रा में शामिल हूँ तो मुझे कई जगह होर्डिंग और बैनर दिखे कि मोहब्बत की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लेकिन ये मोहब्बत दिख कहाँ रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में? एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन यहाँ तो मुश्किल ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसीलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए, यानी जुड़ने से पहले ही मामला खराब हो जाए। महाभारत की लड़ाई जैसी बात हो गई है कि दोनों ही पार्टी अब एक इंच अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 11 सीट छोड़ने का ऐलान किया और अपने लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। उसके बाद 11 सीटों की वो लिस्ट मांगी गई कांग्रेस पार्टी से। 6 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी गई जिसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि आपने जो सीटें दी हैं उसमें से मुझे सिर्फ 5 मंजूर है और उसके अलावा 20 सीटों की संख्या और डाल दीजिए। यानी कांग्रेस को उस वक्त समाजवादी पार्टी से 25 सीटें चाहिए थी। फिर आती है दूसरी तारीख यानी 12 फरवरी जिसमें बात पहुंची कि भाई ऐसा करते हैं आपस में बातचीत करके। ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को कि आप किस सीट पर किस उम्मीदवार को लड़ाना चाहते हैं उसका नाम भी बताएं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारे यहाँ इस तरीके से उम्मीदवार नहीं तय किए जाते हैं, उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फिर बात आ गई 19 तारीख को आखिरी चिट्ठी गई कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की तरफ से जिसमें 17 सीटें देने का फैसला हुआ और 17 के नाम भी बताए गए। मैं आपको बताऊं कि मेरे मोबाइल में वो चिट्ठी भी है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी गई। इसमें अगर देखें ये 19 तारीख को चिट्ठी भेजी गई थी। इसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मथुरा, हाथरस, बाराबंकी और देवरिया की सीट दी गई। और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि ये सीटें हम आपको क्यों दे रहे हैं उसके लिए 2014-2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा दिया गया और फिर ये चिट्ठी भेज दी गई कि ये 17 सीटें आपको हम दे रहे हैं। और ये बात मान भी गए थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन खड़गे की तरफ से एक बात और कही गई 19 तारीख को ही कि भाई ये 17 सीटें तो हमें मंजूर हैं, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि 2 और सीटें दी जाए और वो मुरादाबाद और बिजनौर। मुरादाबाद लोकसभा की वो सीट है जहाँ 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी। ST हसन वहाँ से लोकसभा सांसद हैं। आप जानते हैं मुरादाबाद मंडल में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं और पिछली बार BJP का यहाँ खाता भी नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली थी और BSP को 3। उस वक्त SP, BSP और RLD का गठबंधन था। मामला यहीं फंस गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी बातचीत प्रियंका गांधी से कई राउंड की हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मसला सुलझ जाएगा। प्रियंका गांधी बीमार पड़ गई। इस बीच अलायंस कमेटी से बात नहीं बन पा रही थी जिस अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक है। उसके बाद मामला कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास गई और उन्होंने 2 और सीटें मांग ली यानी 17+2 यानी 17+2 19 लोकसभा सीटें। और यहीं अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा हमने बातचीत शुरू की जब तय हो चुका था कि 17 लोकसभा सीटों पर फॉर्मूला तय हो गया तो फिर ये 2 सीटें और कहां से आ गई। जबकि पहले अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए सहारनपुर और अमरोहा ये दोनों सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थे। सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि सहारनपुर से कांग्रेस इमरान मसूद को दे। दानिश अली को लेकर भी उनके मन में रिजर्वेशन था, लेकिन प्रियंका गांधी के कहने पर अखिलेश यादव राजी हो गए। लेकिन उसके बाद बात 2 लोकसभा सीटों पर आ गई है और अब मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मसला इस बात का भी है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो एक सर्वे कराया तो उसे लगता है कि मुस्लिम समाज का वोट उसको मिल सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत वोट डालते हैं।
वो किसी हारे हुए उम्मीदवार की तरफ रुख नहीं करते और वो इन ब्लॉक वोट करते हैं, यानी किसी एक पार्टी को ही वोट करते हैं, उनके वोटों में बंटवारा नहीं होता है। कांग्रेस को लग रहा है कि बदले हुए हालात में और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुस्लिम समाज का झुकाव उनकी तरफ हुआ है और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है, और इसलिए कांग्रेस ने अपना स्टैंड कड़ा कर लिया है। लेकिन अखिलेश यादव का मानना है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसी सियासी जमीन नहीं है और इसीलिए मुसलमान अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा और वो समाजवादी पार्टी के पास आएगा और मामला यहीं फंसता है। अब आखिरी कॉल राहुल गांधी को करना है। अगर राहुल गांधी ने फोन किया अखिलेश यादव को और मसला सुलझ गया तो गठबंधन बच सकता है, वरना गठबंधन समझिए कि उसका अंतिम संस्कार ही हो गया। पर सवाल ये है कि अगर गठबंधन टूटा तो फिर इसका विलन कौन? समाजवादी पार्टी कैंप पर भरोसा करें तो ऐसा लग रहा है कि विलन प्रियंका गांधी और उनकी टीम है। ऐसा उधर से दावा किया जा रहा है कि कई बार मसले सुलझते सुलझते फिर प्रियंका गांधी की टीम की तरफ से मामले को फंसाने की कोशिश की गई और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी बताए गए। आपको क्या लगता है कि अगर ये गठबंधन टूटा तो नुकसान किसका, समाजवादी पार्टी का या फिर कांग्रेस का? और इस लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के वोट को लेकर जो तनातनी मची है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, जिस मुस्लिम समाज का वोट इस बार लोकसभा चुनाव में किसे मिलेगा, समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस को? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।